नमस्ते दोस्तों, मेरी अमी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम इंदौरी स्ट्रीट फूड गरारू चाट बनाना शेयर करते हैं। इंदौर में गरारू चाट बहुत ही फेमस है। सर्दियों में इसे बड़ा ही चाव से खाया जाता है। वहाँ पे इसे पार्टी में, स्टार्टर में भी खाया जाता है। काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी तैयार होता है। इसके अंदर ऑयल की मात्रा न के बराबर होती है। घर पर आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। स्टार्टर रेसिपी है, बच्चे और बड़े सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। कम लोगों को पता है इस रेसिपी के बारे में, लेकिन आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छी तैयार होती है और बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। गरारू चाट बनाने के लिए सामान लेते हैं। इस तरह का गरारू होता है, इसे छील के और इस तरह से टुकड़ों में, छोटा छोटा टुकड़ों में काटना पड़ता है। कभी कभी इससे लसलसा पदार्थ भी निकलता है, इसके लिए आप थोड़ा सा तेल हाथ में लगा सकते हैं। इस तरह से सारे टुकड़े काट लेने हैं। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लिए हैं, स्वादानुसार नमक या काला नमक लेना है। चाट मसाला हाफ टी स्पून लिए हैं। मिर्ची पाउडर मैंने 2 या 3 पिंच लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है और नींबू लिया है। इस तरह से काट लिए हैं। हाई फ्लेम पे एक बार तेल को गर्म कर लेते हैं और उसमें इन गरारू के टुकड़ों को फ्राई करते हैं। हमें इन्हें 2 बार फ्राई करना है। एक बार हल्का फ्राई करके निकाल लेना है, फिर दूसरी बार फाइनल फ्राई करना है। तो इसे 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये होने वाला है फ्राई। एक बार तो इसे हल्का ही फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो गया है, इसे एक बार निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और सारे टुकड़ों को निकाल लेते हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दस से 15 मिनट का टाइम हो गया है। अब वापस एक बार तेल गर्म करते हैं हाई फ्लेम पे, फिर फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और फिर इसे वापस फ्राई करते हैं। अब इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए और थोड़ा कड़क हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा, इसलिए इसे हल्का फ्राई ही करना है, हल्के आँच पर ही फ्राई करना है। इसे व्रत में भी खाया जाता है, ये व्रत के लिए भी होता है। हम भी इसे पहली बार इंदौर घूमने गए थे, जब खाए थे बहुत ही टेस्टी लगा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया और बहुत ही पसंद आया सबको। आप भी इसे बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये अब तैयार होने वाला है। आप एक पीस को दबा के देख सकते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसे गरम गरम ही खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा चाय के साथ या स्टार्टर के तौर पे। अब इसे एक बाउल में डाल लेते हैं और नमक डाल लेते हैं स्वादानुसार और सारे मसाले को ऐड कर लेते हैं। और एक बार मिला लेते हैं। अब इसे आप प्लेट में निकालिए
और नींबू डाल के गर्मा गर्म खाइए।